हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूरामेंट क्रीम के बारे में। दोस्तों, ये किन कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसका प्राइस क्या है, इसकी प्रिकॉशन क्या है, दोस्तों ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। कृपा करके वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसको राहत हर्बल फार्मास्यूटिकल दोस्तों द्वारा इसको बनाया गया है। दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों ये है, आपको 10 ग्राम की ऑइंटमेंट आपको 27 रुपीज़ में आपको हर फार्मेसी पर आपको अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों, इसमें हम पाए गए औषधियों के बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन सी औषधियाँ इसमें पड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसमें लोबान, मेदालक्षी, नरकक्षी, अम्बा हल्दी, गुगई, मेथी और तेज, दोस्तों और भी कई प्रकार की दोस्तों इसमें औषधियाँ पाई गई है। दोस्तों, ये 100% एक हर्बल औषधि है। दोस्तों, अब हम बात करें कि यह औषधि किन किन कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, यदि आपके जोड़ों में दर्द है तब आप इस औषधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आपके कमर व पीठ में दर्द है तब भी आप इस न्यूरामेंट क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कमर व पीठ के दर्द को ख़त्म करने के लिए। यदि आपके गर्दन में दर्द है या बदन दर्द है तब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक फास्ट एक्टिंग फार्मूला है जो लगाने के बाद में तुरंत ही असर करती है। दोस्तों, आपको कोई पुरानी चोट लगी है उसका दर्द करता है, पुरानी चोट का दर्द आपको दर्द करता है ज़्यादा, तब आप न्यूरामेंट ऑइंटमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं पुरानी चोट के दर्द को ख़त्म करने के लिए। यदि आपको मोच आ गई, मोच की वजह से आपके पैरों में सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई है, तब भी आप न्यूरामेंट क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आपकी फटी एड़ियां हैं तब भी दोस्तों यह फटी एड़ियों को बहुत ही जल्दी हील करता है। यदि आपके मच्छर के काटने से आपके किसी भी शरीर में सूजन या दर्द है तब भी आप न्यूरामेंट क्रीम का इस्तेमाल आप उस सूजन और दर्द को ख़त्म करने के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं बहुत कम देखे गए हैं, नामात्र देखे गए हैं, लेकिन जो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं तो लगाने वाले जगह पर रेडनेस जैसी समस्या उत्पन्न होना। दोस्तों, और इसके अलावा कोई खास इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।